हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो हमें यही निकालना है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते टाइम कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो हमें कंसिडर करने चाहिए। आइए देखिए, आपके पास एक टेबल दे रखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा टेबल को, ठीक है। देखिए इस टेबल में क्या कुछ है। इस टेबल में सबसे पहले लिख रखा है आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू, क्या लिख रखा है, ग्रोस एनुअल वैल्यू मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डेफ्ट में दे रखा, लेकिन एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से पॉइंट कंसीडर हमें करने हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसको GAV भी बोलते हैं, इसमें से म्यूनसिपल टैक्स जो पेड किया जाता है ओनर द्वारा, ठीक है, पेड बाय ओनर, वो माइनस होगा अगर पेड बाय टेनेंट, यानी कि टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। अगर किराएदार ने म्यूनसिपल टैक्स दिया है तो उसकी छूट ओनर को नहीं मिलेगी। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है कि पहले जो अनरियलाइज्ड रेंट है कि किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया था, तो उसके रिगार्डिंग छूट मिल जाएगी किसको, ओनर को। भाई किराया ही नहीं मिला तो टैक्स कैसे देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा इन दोनों को, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट को घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू। याद रखना, अब आप बोलो इस तरह की घर के ऊपर जो खर्चा है मरम्मत वगैरह का है, उसका क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फ्लैट डिडक्शन दी गई है, कितनी डिडक्शन दी गई है, देखिए फ्लैट अंडर सेक्शन 24। तो आप एक तो आपको यही याद रखनी है कि हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन मिलती है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलती है, सेक्शन 24 के। सेक्शन 24(1) जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 30% एनुअल वैल्यू। मान लिया कि यहाँ पर एनुअल वैल्यू आई एक लाख रुपये, तो इसका डायरेक्ट 30%, यानी कि 30,000 घटकर बाकी कितना बच जाएगा, 70,000। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काउंट हो जाएगी अगर और कुछ चीज़ें नहीं दे रखी तो, हो जाए ना। तो ये कंसीडर आपको करना है। अब देखिए, तो क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन घटाते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, जो आप घर बनाते हो उसके लिए जो आपने ब्याज लिया है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट फॉर लोन, देखो मान ले कि हो सकता है कि आपने 9/19/6, मान ले कि आज ही की डेट अगर हम लेके चलते हैं, तो अब आपने यहाँ पर क्या ले लिया, लोन ले लिया जी, और मान लिया कि आपका यहाँ पर घर 3 साल के बाद में बन के तैयार हुआ, या 1 साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद यहाँ पर तैयार हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे जो आपका ईयर है, प्रीवियस ईयर, सपोज करो ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि घर तैयार होने के बाद यहाँ पर इस एरिया में आपका प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर में एक तो छूट मिलती है किस चीज़ की, जो यहाँ पर जो किस्त भर रहे हो ना आप, एक तो उसकी, और एक जो बाकी बच गए हैं ना सारे प्रीवियस ईयर के, घर बनाने, लोन लेने से लेके घर बनाने तक जो ये टाइम पीरियड बच गया, इसके अंदर जो ब्याज है उसकी छूट मिलेगी, लेकिन उसकी छूट मिलेगी हर साल सिर्फ 1/5%, उस इंटरेस्ट की छूट मिलेगी 1/5। देखो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट हम देंगे, यानी कि ओनर जो है वो बैंक को ब्याज देगा, तो उसकी तो सारे की छूट है ही है, प्लस में जो घर बनाने से, लोन लेने से लेके घर बनाने तक का जो सारा खर्चा था उसकी जितना ब्याज बना उसको 5 भागों में डिवाइड कर देंगे, और हर पार्ट को हर साल घटा, इसमें इंटरेस्ट में ही जोड़ के सारा घटा देंगे, उसकी छूट मिल जाएगी। यानी कि दो तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन पर छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। पहली मिलती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कि घर बनाने से पहले का, तो जितना भी पहले आया, मान ली 3 साल में घर बना, तो 3 साल के ब्याज को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और हर पार्ट को फिर जो आपका प्रीवियस ईयर आएगा उसमें चार्ज करते रहेंगे। फिर आता पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसमें 100% इंटरेस्ट की छूट है। यही तो मैंने बताया था ना कि यहाँ अपने लोन लिया, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये तो सारा का सारा आपका आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ये जो प्री वाला है यहाँ पर। और इसके बाद मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आ गए आप, तो इसके अंदर 100% छूट है, ठीक है, हो जाएगा ना ये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने क्या कुछ किया था, देखिए पहले
ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स लेस किया, अनरलाइज रेंट लेस किया, एनुअल वाले एनुअल वैल्यू आ गई। फिर अपने डिडक्शन, दो डिडक्शन मिलती हैं, सेक्शन 24(1) के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24(2) के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट। फिर अगर अनरलाइज रेंट रिसीव्ड हो गया हो, कि जैसे ऊपर आपने क्या कर दिया था, घटा दिया था ना यहाँ पर अनरलाइज रेंट, अब अगर मान ले कि वो किराएदार ने पहले किराया देने से मना कर दिया था लेकिन अब दे दिया है, तो नो डाउट हमारी इनकम है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन फ्लैट 30% तो छूट इस पर मिलेगी। इसी तरह से कोई एरियर वगैरह है, बकाया, देखो दो तरीके, एक तो होता है अनरलाइज रेंट, मतलब आप किराया लेने गए और किराएदार ने देने से मना कर दिया तो अनरलाइज रेंट। एक आप किराया लेने गए, किराएदार ने बोला भी अब के महीने तो नहीं है, हाँ 2-3 महीने बाद मैं दे दूंगा, तो वो क्या होता है एरियर ऑफ रेंट, ठीक है ना। जो बकाया था वो अगर मिल जाए तो भी सेम डिटो और 30% डिडक्शन मिल जाएगी। तो याद आए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले तो जो आपको याद करना है ना वो यही याद करना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैसे काउंट कैलकुलेट करते हैं, पहला तो यही स्टेप। अब जो इसके अंदर जो जो पॉइंट यूज किए गए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, उनके बारे में थोड़ा डेप्थ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने की, कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो यही कि अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो, और एक स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आती है म्यूनसिपल वैल्यू, नंबर वन, इसका कंपैरिजन करेंगे फेयर रेंटल वैल्यू से, किसे, फेयर रेंटल वैल्यू से, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। ये विद एग्जांपल मैं करवाऊंगा लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल आप कर लो, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज़्यादा होगी उसको आप यहाँ पर लिख लोगे। मान लीजिए यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर है 20,000, तो यहाँ पर आप 20,000 रुपये लिख दोगे, जो ज़्यादा होगी वो हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका 20,000 का, इनकी जो हायर आया इसका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट से, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट गिवन है क्वेश्चन में, इससे कंपैरिजन करना है। तो स्टैंडर्ड रेंट और जो आपका हायर आया था इसमें से, स्टैंडर्ड रेंट और हायर, इसमें से जो लोअर होगा उसको आप पिक करोगे। अब जो लोअर पिक कर लिया ना आपने, जो भी लोअर पिक कर लिया, मान ली स्टैंडर्ड रेंट दे रखा 15,000, ठीक है, ये था 20,000 रुपये आपके पास हायर, तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 15,000 का कंपैरिजन करना है एक्चुअल रेंट की, एक्चुअल में किराएदार ने दिया कितना है। अब अगर ये 20,000 भी दिया हो सकता है, ये आपका 10,000 भी दिया हो सकता है, कहने का मतलब है कि इस वैल्यू से ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जो ज़्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू कराएगा, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो। एक ऑप्शन आता है कि सर अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना हो तो बस स्टैंडर्ड रेंट वाला ऑप्शन छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, देखो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, जो ज़्यादा होगी वो पिक कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं कि वे स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे, जो कम होगा उसको लेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो अब ये ज़्यादा होगा उसको लेंगे। तो अब इसका कंपैरिजन किसको करेंगे, एक्चुअल रेंट से, और इनमें से जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू, क्या कहलाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। हाँ नो डाउट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन देखिए अभी कर लेता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो मे बी सॉल्व हो जाए ये प्रॉब्लम भी। देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, देखिए जी क्या कुछ दिखाया गया। सबसे पहले एक मिनट, देखिए जी देखो, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, कि फाइनेंशियल ईयर के, फाइनेंशियल ईयर मतलब कोई भी साल दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट का मतलब किराए पे चढ़ी हुई है, थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे साल किराए पे अगर आपने प्रॉपर्टी दे रखी है। तो सबसे पहले तो म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट एक ही बात है ना, म्यूनसिपल वैल्यू ले ली 70,000 रुपये, तो 12 महीने के हिसाब से 8,40,000 रुपये हो गए, फेयर रेंटल वैल्यू ले ली ये कितनी, 9,60,000 रुपये। अब जो ये दोनों हुए हैं इनमें से हमने क्या लेना था, अभी पीछे पड़ गए थे सर, हायर वाली वैल्यू लेनी थी, ठीक है, इसका कंपैरिजन किससे करना था सर, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड गिवन है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड गिवन है कि 7,20,000। अब हायर कितनी थी बताओ ऊपर, 9,60,000, यानी कि 9,60,000 और 7,20,000, इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और जो लोअर होगी वो रखनी पड़ेगी, लोअर कितनी थी सर, 7,20,000, यही थी ना 7,20,000। अब इसका कंपैरिजन करना है किससे सर, एक्चुअल रेंट से करना है, एक्चुअल कितना है 10,80,000। अब जो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी होगी सर, इन दोनों में से ज़्यादा है, इनकी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी अपनी 10,80,000, कितनी देर की 10,80,000। फिर भी आइए करते हैं,
देखो सॉल्यूशन दे रखा है, फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मेंशन करेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा है कितना 9,60,000 वो ले लेंगे। अब स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे, अब सी और डी में किसी अगर कंपैरिजन करेंगे जो कम होगा वो लेंगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। देखो स्टैंडर्ड रेंट से जो कंपैरिजन करते हैं उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, एक्सपेक्टेड रेंट बोल देते हैं। वो कितना आ जाएगा जो कम होगा, ये जो 9,60,000, 7,20,000 जो कम कौन सा है, 7,20,000, क्या है 7,20,000, यानी कि इन दोनों में से जो कम होगा उसको लेंगे 7,20,000। अब इसका एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे, जो हायर होगा जो ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे, कितना 10,80,000, ठीक है, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी सिंपल। लेकिन हर कंडीशन में ये नहीं होता, कुछ कंडीशन दे रखी हैं उनको हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी क्या दिया गया, नेक्स्ट वन द प्रॉपर्टी, देखो पहला क्या दिया था ऑप्शन में कि अगर आपने जो घर किराए पे दे रखा और पूरी साल वो किराए पे रहा है तब तो सिंपल रूल है, हो सकता है कि घर जो है वो कुछ पार्ट उसका वैकेंट रहा, हो सकता है किराएदार 10 महीने रुका हो 12 महीने के बजाय, ठीक है 9 महीने रुका हो, तो उस कंडीशन में सेम डिटो देखी, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो ऐसे ही करना है। देखिए वही फेयर रेंट और म्यूनसिपल में से जो हायर होगा हायर ले लेंगे, हायर कितना है सर 9,60,000। आप कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड से हायर का, जो क्या होगा लोअर होगा, लोअर कितना है जी कम कितना है 7,20,000 पे। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा सिंपल हायर, ठीक है। अब अगर ये नोटिस करने वाली बात, देखो यहाँ पर ज़्यादा था तो हायर ले लिया, लेकिन इस कंडीशन में जब भी कोई घर वैकेंट रहता है तो यहाँ पर जो लास्ट वाली कंडीशन, देखो ये देखना आपको सिर्फ और सिर्फ, जब भी कोई घर वैकेंट रहता है तो स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में दोनों में से हमेशा ही क्या आएगा, एक्चुअल रेंट आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ तो ज़्यादा है इसलिए आ गया, अगर मान लें कि 6 लाख होता तो भी ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी होगी 6 लाख, किस कंडीशन में है, अगर घर वैकेंट है तो। इसका रीज़न सिंपल सा है भाई, जो मालिक है उसका घर किराए पे चढ़ा ही नहीं तो एनुअल वैल्यू मतलब कि टैक्स ज़्यादा कैसे दे देगा वो, सिंपल बात है ना। तो एक्चुअल रेंट क्या होगा फिर, वो उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू कब है, जब वो वैकेंट हो तब। नॉर्मल कंडीशन में हायर होगा वो आंसर होगा, लेकिन अगर घर खाली रहा है, चाहे कंप्लीट रहा हो और चाहे आपका रहा हो कुछ पोर्शन, सपोज करो कि सर कभी चढ़ा ही नहीं खाली रहे जीरो है तो जीरो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 10 महीने चढ़ा है तो 10 महीने का आ जाएगा, हाँ अगर 12 में चढ़ा है तो फिर स्टैंडर्ड कर्व उसके कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपना फिर प्रॉपर्टी रेंटेड एंड यूज फॉर ओन पर्पज। अब ऐसा भी हो सकता है कि किराए पे चढ़ा दी और कुछ महीने जो खाली रहा ना, उस खाली रहे में उसने अपने घर के लिए यूज कर लिया, किसके लिए यूज कर लिया, अपने घर के लिए यूज कर लिया, तब उस कंडीशन में हायर वाला लोड लगेगा। अब देखो क्या प्रॉब्लम दोनों, देखिए सबसे पहले तो अगर पूरे साल किराए पे चढ़ा है तो सिंपल क्या करना था, देखो म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, जो क्या हो सर जो ज़्यादा हो वो लेंगे पहली बात। दूसरे पॉइंट में क्या था सर, स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे, अब स्टैंड किसका सर, जो ये ऊपर हायर आया ना इसका कंपैरिजन करेंगे और जो लोअर होगा उसको ले लेंगे, सिंपल बात यहाँ तक हो गया। तीसरा पॉइंट था सर एक्चुअल रेंट, क्या था एक्चुअल रेंट, अब एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, इस लोअर वाली वैल्यू से करेंगे, इस लोअर वाली वैल्यू से करेंगे ना, और जो हायर था वो आ जाएगा, हायर था वो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू में काउंट हो जाएगा, सिंपल सी बात थी ये तो, हाँ जी सिंपल सी बात थी ये तो। लेकिन ये तो था पहला रूल जब पूरे साल किराए पे चढ़ा हो तो। अब दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर घर खाली है, खाली है तो यहाँ पर जो थर्ड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर ये थर्ड वाला, अगर घर कुछ टाइम खाली है तो एक्चुअल रेंट ही क्या कहलाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, अगर घर खाली है और ओनर ने अपने पर्पज के लिए यूज नहीं किया तो, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर खाली है और ओनर ने अपने पर्पज के लिए यूज कर लिया तो फिर पहले वाली कंडीशन वही चलेगी, हायर वाली। बस ये था, बस इतना ही है, इसका क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसका, तो आप ये कर लोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बस आइए दोबारा से चलते अपने क्वेश्चन पे। तो ये जो थ्योरेटिकल था, हमने कोशिश की है कि इसको प्रैक्टिकल भी आपको करवा दें, तो ये होप से आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए आगे क्या लगे, इफ़ हाउस, वही चीज़ें बात है जो बात की गई, इफ़ हाउस इज लेट आउट
अगर क्या कर रखा है, घर किराए पे दे रखा है पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, या तो क्या कहेगा कि कुछ टाइम पीरियड तो आप ये मान लो कि खाली था और कुछ में किराए पे, माना कि 10 महीने किराए पे चढ़ा, 2 महीने खाली था, और जब वो खाली था आपने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ओनर ने यूज़ नहीं किया था, तो उस कंडीशन में एवरेज रेंट ही ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा, कोई कंपैरिजन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब घर खाली था और आपने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया, सिर्फ तभी ये रूल लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्या कुछ ये बनेगा इसका, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, फिर आगे इसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग क्या दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 30,000 रुपये भी डिडक्शन मिलती है और 2 लाख रुपये भी। अब ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 2 लाख वाली छूट कब मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की और 30,000 रुपये वाली कब मिलती है। इसके लिए 3 कंडीशन है, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। आइए करते हैं तीनों कंडीशन। देखिए क्या कुछ दिया गया अपना यहाँ पर, डिडक्शन ऑन होम लोन्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24 में आता है। क्या दे रखा है, होम ओनर कैन क्लेम ए डिडक्शन अप टू 2 लाख ऑन देयर होम लोन इंटरेस्ट, कि जो लोन लिया है उस पर जो ब्याज की छूट है वो 2 लाख तक की छूट मिल सकती है, ठीक है। इफ़ द ओनर और हिज फैमिली रिजाइड इन द हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो द सेम ट्रीटमेंट अप्लाई व्हेन द हाउस इज वैकेंट, और खाली है तब भी ये ट्रीटमेंट चलेगा। इफ़ यू हैव रेंटेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी द एंटायर लोन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। देखो अगर आप घर किराए पे दे दिया तो ब्याज की छूट मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अगर खुद के लिए रह रहे हैं ना, आप खुद रह रहे हो वहाँ पर, तो भी छूट मिलनी है 2 लाख या फिर 30,000। योर डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट इज लिमिटेड 30,000 इंस्टेड ऑफ 2 लाख इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन देखो नॉर्मल तो 2 लाख है, लेकिन अगर आपने ये कंडीशन मतलब ये सिचुएशन है तो सिर्फ 30,000 मिलेगा। कब? जब आपने लोन लिया है नॉर्मली, तो पहले तो आप बेसिक कंडीशन यही पढ़िएगा। देखिए एक मिनट, सबसे पहले आप ये बेसिक कंडीशन पढ़िएगा कि लोन अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो छूट कितनी, 30,000 की, पहला, ठीक है। बाकी कंडीशन क्या है कि अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 30,000 के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, लेकिन साथ में बेसिक एक चीज़ और है, 1 अप्रैल 1999 से पहले चाहे आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो, समझना इस बात को, चाहे आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उन्हें परचेज का मतलब होता है भाई आपने बना बनाया खरीद लिया, कंस्ट्रक्शन का मतलब खुद बना रहे हो। अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले परचेज या कंस्ट्रक्शन, आप सिंपल मान लो कि परचेज लिया है या फिर रिपेयर वगैरह करवाई है घर पे, तो दो बातें बनती हैं, ठीक है। एक कौन सी, घर खरीदा, एक कौन सी, घर की रिपेयर करवाई। कब? 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो छूट कितनी, सिर्फ और सिर्फ 30,000। सिंपल बात है ये तो, हाँ जी हो जाएगा ना। 1 अप्रैल 1999 से अगर पहले आपने घर खरीदा है या घर की रिपेयर की है और उन दोनों पर्पज़ के लिए लोन लिया था, तो उस लोन के ब्याज की सिर्फ 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, मैक्सिमम, कम मिल सकती है मैक्सिमम, सिंपल। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, 1/4/1999 के बाद, आफ्टर वाली बात करते हैं, ये मुद्दा अपना, तो ठीक है 1/4/1999 से बाद वाली बात करेंगे, देखिए ठीक है 1999 से बाद वाली बात। अब इसमें दो कंडीशन है, वही सेम डिटो, भाई घर खरीदा है, परचेज किया है या फिर घर की रिपेयर करवाई है। घर खरीदा यानी कि परचेज या कंस्ट्रक्शन किया है या फिर रिपेयर वगैरह करवा रखी, तो अगर 1/4/1999 के बाद, 1/4/1999 के बाद अगर आपने रिपेयर करवाई है तो भी सिर्फ सिर्फ 30,000 की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी, 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। हाँ अगर घर खरीदा है तो 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। कितने तक की मिलेगी, 2 लाख तक की, ठीक है। 1/4/1999 से पहले चाहे खरीदा हो चाहे रिपेयर करवाई हो, 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट।
1/4/1999 के बाद घर खरीदा है तो 2 लाख रुपए तक की छूट, और रिपेयर करवाई है तो 30,000 रुपये तक की छूट, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है 30,000 वाले में, अब आपने घर खरीदा है तो 2 लाख की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन है 2 लाख की कि 5 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। अगर 5 साल के अंदर आपने घर नहीं बनाया तो फिर 30,000 की ही छूट मिलेगी। क्या याद है भाई, परचेज 1/4/1999 से पहले घर, सॉरी 99 के बाद घर खरीदा है तो 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिलेगी लोन पर, लेकिन कंडीशन क्या है कि 5 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए। अगर घर नहीं बना तो फिर 30,000 की छूट, यानी कि 30 की तो मिलेगी ही मिलेगी ब्याज की छूट, हो जाएगा ना। तो सिंपल सा रूल था, हर बार पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए जी। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी टॉपिक पर, ठीक है। इसके बाद क्या क्या करके, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड अपार्टमेंट, मतलब ये बोल रखे भी जमीन जो आपका घर है ना उसके आसपास की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपने वहाँ पर पार्क हो गया आपका, या फिर गाड़ी खड़ी करने के लिए जो बिल्डिंग के लगते जो एरिया है, जो अपार्टमेंट साथ में दे रखे, ठीक है, वो सारी की सारी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आ जाती है। लेकिन अगर ओनर हो सकता है, जैसे आप घर हो, जैसे बगीचा है उसमें आप कोई काम कर रहे हो, या फिर कोई शॉप ओपन कर लिया आपने वहाँ पर, ठीक है, ऑन रोड आपका अगर घर है तो कोई शॉप ओपन कर ली, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो जाएगी। तो उसके अलग रूल रेगुलेशन डिडक्शन है, इसके अलग हैं। तो हमारे अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सी होगी। तो एक बिल्डिंग और उसके आसपास का एरिया जो उससे अटैच है वो अगर है घर के लिए यूज करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, बिजनेस के लिए यूज करें तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए क्या क्या कंडीशन है देखिए, सबसे पहले 3 कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाई फॉर द प्रॉपर्टी इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड, कौन कौन सी है आइए पहले पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट, इनकी प्रॉपर्टी का मतलब, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है सर बिल्डिंग और उसके आसपास का एरिया, जो अगर कोई पार्क वगैरह है, गाड़ी पार्क करने के लिए कुछ भी है वो सारा आ जाए उससे जुड़ा हुआ एरिया। ओनर होना चाहिए, ओनर को ही छूट मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी की, टैलेंट एयर किराएदार को नहीं मिलेगी, बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, बस ये 3 चीज़ें मेन हैं। इन 3 चीज़ों के लिए ही ये अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर आगे, ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कि ओनर कौन होगा हाउस प्रॉपर्टी का, भाई प्रीवियस ईयर में ओनर होना चाहिए बस, ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले 10 सालों से उसके ओनर थे, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई प्रीवियस ईयर में आप ओनर हो या नहीं हो, बस ये मेंशन करता है। और अब ओनर हो कौन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि AOP भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और याद रखना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करनी बिल्डिंग। अब आता है इनकम फ्रॉम एक्स प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जेम्प्टेड, भाई कौन से ऐसे पर्सन है जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता ही नहीं है, जैसे कि अगर कोई राजा का महल है, ठीक है, एन एक्स रूलर, यानी कोई महाराजा राजा अब तो रहे नहीं अपने देश में, लेकिन अगर राजस्थान में आप जाओगे तो वहाँ पर अब भी कुछ वंशज हैं उनके जो मिल जाएंगे आपको, फॉर हिज ऑक्यूपेशन, जो पैलेस हैं उसकी जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स छूट है, लोकल अथॉरिटी सरकार की कोई है तो वो भी क्या है, टैक्स फ्री है, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं देना पड़ता। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए कोई है, बोर्ड के लिए कोई है, बॉडी अथॉरिटी के लिए कोई है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है, सर्टेन फंड है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए, स्टैचुरी SC ST के लिए कोई स्टैचुरी कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट ने फंड दे रखा जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कोऑपरेटिव साइड, ट्रस्टेबल पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इंक्लूड नहीं कर जाते, इनको छूट दी जाती है वहाँ से। एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी हम सब पढ़ के आए हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू ये सब है ना, ये सारा आप पढ़ सकते हो, वही चीज़ें दे रखी सारी की सारी कि स्टैंडर्ड रेंट है या नहीं है, ठीक है, ये कर लोगे। कंडीशन वही है कि भाई जो खर्चा ओनर अपनी जेब से पे करेगा ना उसकी छूट मिलेगी, अगर वो खर्चा जो है म्यूनसिपल टैक्स ही मान लो आप, अगर ओनर ने पे किया तो छूट मिल जाएगी, अगर ओनर ने पे नहीं किया तो छूट नहीं मिलेगी, अगर टेनेंट ने पे किया तो छूट नहीं मिलेगी। हाँ, करंट जो आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है, जिस साल आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो,
अगर मान ले पिछला कोई रेंट वगैरह मिला है वो भी कंसीडर करेंगे, अगले साल का एडवांस मिलेगा वो भी, यानी कि जैसे ही आपको पेमेंट मिलेगी उसी को उसी वैल्यू को कंसीडर करना है, ठीक है, इनके रिसीव बेस पे कंसीडर करना है। और हाउस प्रॉपर्टी, पहले एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस प्रॉपर्टी वो टैक्स फ्री थी, लेकिन नए एक्ट के अकॉर्डिंग दो हाउस प्रॉपर्टी जो वो टैक्स फ्री कर दी गई। देखो यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, शायद आपको दिख जाएगा टैप टू, तो जहाँ पर ये बॉक्स बना रखा है या अपडेट कर रखा है यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, अगर एक मान ले किसी ओनर के पास दो घर है तो एक घर सेल्फ खुद रहेगा, उसके पे और कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरा किराएदार की तरह माना जाएगा, मतलब किराए पे चढ़ा रखा ऐसा माना जाएगा, उससे टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन अब कितने कर दिए, एक व्यक्ति एक एसएससी दो घर अपने रहने के लिए यूज कर सकता है, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। दो से ज़्यादा घर है, मान लीजिए पाँच घर हैं तो दो पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तीन पे टैक्स देना पड़ता है, बस यही था, ठीक है। ये थोड़ा अपडेट कर रखा मैंने। एक वर्ड आया था कि रियलाइज रेंट, रूल नंबर फोर याद रखना, रूल नंबर फोर के अंदर रियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी अनरियलाइज रेंट का मतलब कि भाई अगर किराएदार टेनेंट जो है किराया पे ना करे, ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट की छूट वो ले सकता है। जैसे आप मान लो आप खुद ओनर हो, आप ओनर हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई ये फलाना बिल्डिंग आपकी किराए पे चढ़ी हुई थी, आपने घर किसी को दे रखा था किराए पे रहने के लिए 12 महीने का, इतना हम आपसे जो है टैक्स चार्ज करेंगे। आप बोलो नहीं सर वो तो 8 ही महीने रहा था, 4 महीने नहीं रहा, ठीक है। और या आप ऐसे बोल सकते सर 12 महीने वो रहा था, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन 4 महीने का उसने रेंट नहीं दिया, तो रेंट नहीं दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले भाई हमारी सरदर्दी थोड़ी है, रेंट नहीं दिया ये तो आप लो उससे। वो बोले सर मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, सारा काम कर लिया, लेकिन उसने रेंट नहीं दिया। तो इस 4 महीने की अगर आपको छूट चाहिए ना, जब किराएदार किराया ना दे, तो 4 महीने की छूट के लिए आपने कौन कौन से स्टेप अपनाने पड़ेंगे वो देखिए। पहला, ओनर अपनाएगा ये द टेनेंसी इज बोनाफाइड है कि भाई किरायादारी जो है ना वो वास्तविक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्जी वैसे ही बता दिया कि 12 महीने तो मान ले कि वो किराया बेचारे किराएदार ने तो दे दिया, लेकिन आपने टैक्स से छूट लेने के लिए जानबूझ के बोल दिया कि सर 4 महीने का नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब वास्तविक होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो कि जिस किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया उससे आप प्रॉपर्टी खाली करवा लो, ये दूसरा स्टेप। तीसरा, आप क्या करोगे, किराया निकलवाने के लिए सारे के सारे जो हथकंडे अपना सकते थे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने जो भी करवाना वो सारे काम कर चुके होगी, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए जो काम करने चाहिए वो कर चुके होंगे। चौथा, अगर मान ले कि ऐसा हो सकता है कि मान ले कि आपके पास एक तो घर है और एक मान ले कि आपके पास दुकान है, एक किराएदार ने घर भी ले लिया आपसे और किराए पे, मान ले कि दोनों काम कर रहा हो मार्केट में, तो बाजार में तो आपकी दुकान थी वो आपने किराएदार को ही दे दिया, तो वहाँ दुकान का किराया तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं लेकिन घर का किराया देने से मना कर दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर वो किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा और दुकान का किराया दे रहा तब भी दोनों खाली करवा लो उससे। कहने का मतलब अगर एक किराएदार एक ओनर है उसकी 5 प्रॉपर्टी है, 500 मान ले कि एक किराएदार ने किराए पे ले रखी है, अगर एक प्रॉपर्टी का भी किराया नहीं देगा ना तो 5 खाली करवानी पड़ेगी कंपलसरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है। इसके बाद आते हैं कि सारे के सारे स्टेप आपने उठा लिए हो अनरियलाइज रेंट को वसूल करने के लिए, या फिर क्या है आप असेसिंग ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाओ कि सर मैंने तो है ना पुलिस कंप्लेंट भी करवा ली, मैंने तो खाली करने के लिए सारा काम करवा लिया, ठीक है, तो लेकिन ये खाली नहीं करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है अब ये बंदा सही है तो छूट मिल जाएगी अनरियलाइज रेंट की। तो अनरियलाइज रेंट की छूट सिर्फ तभी मिलेगी जब ये रूल नंबर 4 के अंदर जो 5 पॉइंट हैं वो ओनर ने कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट है डिडक्शन, वही दे रखी है दोबारा से एक्सप्लेन करके, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 के अंदर 30% नेट एनुअल वैल्यू की आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो लेना चाहिए वो घर की प्रॉपर्टी के लिए मतलब घर खरीदने के लिए लेना चाहिए, चाहे घर खरीद दो, देखो ये अलग अलग पॉइंट आ गए ना, किस किस के लिए हैं देखिए, एक्वाइजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए हो, इस पर आपको याद था क्या करवाया था मैंने अलग से, रिपेयर रिन्यूअल और रिकन्स्ट्रक्शन इसके लिए अलग था, ठीक है। अक्रूवल बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट जो है वो अक्रूवल बेसिस पे काउंट करना है, मतलब चाहे ब्याज मिले ना मिले, बस 12 महीने का हो गया तो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की कोई छूट नहीं मिलेगी, ब्याज पे ब्याज की कोई छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने किस्त नहीं भरी, ब्याज नहीं भरा और बैंक ने और ब्याज लगा दिया उसके ऊपर, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, तो उसकी छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर नहीं देगा। कमीशन वगैरह कोई छूट नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि 30% एनुअल वैल्यू का डायरेक्ट दे रहा है। प्रायर पीरियड क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे एग्जिस्टिंग लोन, इसकी छूट मिलती है, ये सही है, वैलिड है।
ठीक है, पुराने लोन को चुकता करने के लिए अगर आप नया लोन लेते हो उसकी छूटें मिल जाएगी। इन इन एडमिसेबल इंटरेस्ट, अगर आपने मान लिया कि इंटरेस्ट पे किया है इंडिया से बाहर, बाहर से लोन लिया, इंटरेस्ट पे कर दिया इंडिया से बाहर और TDS काटा ही नहीं, तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको किससे लोन लिया है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, देखो अगर आपने किराया, आपने क्या किया, घर बनाया, उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह है उसकी छूट अगर किराए पे दे रखा हो, सारे के सारे ब्याज की छूट मिलेगी। खुद का घर है, अब देखो समझने की बात बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक घर है, मान लीजिए घर बनाने के लिए आपने लोन ले लिया, उसके जो ब्याज बन रहे हैं, अब आपका घर बन के तैयार हो गया, अगर उसको किराए पे चढ़ा दिया वहाँ से इनकम आएगी और ब्याज आप घटा लोगे, सिंपल बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने खुद के रहने के लिए घर बना दिया तो इनकम तो कहीं से आ नहीं रही, और अब ब्याज का क्या करें, तब भी ब्याज की छूट मिलती है। यानी कि अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उसको बनाने के लिए आपने जो ब्याज लोन लिया है उसकी छूट मिलेगी। वही बात है कि 30,000 या फिर 2,00,000 रुपये तक की, ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, 30,000 और 2,00,000 का। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर ये बॉक्स बना रखा ना, यहाँ पर जैसे ये वन का है, आपको ये दिख रहा होगा ना येलो में, ये बॉक्स यहाँ पर टू आ जाएगा, बस वन की बजाय क्या आ जाएगा, टू, थोड़ा अमेंडमेंट है ये कर लेना, ठीक है। तो ये सारा का सारा वही था हाउस प्रॉपर्टी। तो होप शो आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।